तो शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे और आदित्य जी ठाकरे साहब के माध्यम से शाखा क्रमांक एक में हर साल की तरह ये साल भी हम लोग छठ पूजा का आयोजन यहाँ पे किया हुआ था। छठ व्रतियों को वहाँ पे सेवा भाव से हम लोग ने बुलाया था और ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन ये हमारे तेजस्वी गोसाळकर नगर सेविका के माध्यम से वहाँ पे किया था। मेरे ख्याल से कल अगर आप देखें तो 1000 से ज़्यादा छठ व्रति वहाँ पे आके पूजा करके गए और आज भी सुबह वही पूजा करने के लिए वो 5 बजे से वहाँ पे ये महिलाएं वहाँ पे आई हुई थी। और मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, ना ही BMC का कार्यक्रम था ना ही किसी का, हमारे पार्टी ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ कार्यक्रम में इस तरह एक राम यादव करके जो मिंदेगढ़ का जो प्यादा है वो वहाँ पे आके महिलाओं को खींच खींच के वहाँ पे फ़ोटो निकालने का वो प्रयास कर रहा था। ये हमारी महिला है, उन्होंने उसको नकार दिया, ज़बरदस्ती उसको खींचा और उसके अलग अलग अंगों पर हाथ डालने की कोशिश उसके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे की है। ये बहुत सारी निंदनीय है। जब भी ये औरत वहाँ पे चिल्लाई तभी हमें समझा, हमारे कार्यकर्ताओं को समझा कि वहाँ महिलाओं के साथ कुछ छेड़छाड़ी हो रही है। हमारे कार्यकर्ता तुरंत वहाँ पे भाग के गए, उन्होंने वहाँ पे उनको पूछा कि बाबा इस तरह आप हमारे क्षेत्र में आके, हमारे कार्यक्रम के क्षेत्र में आके आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे झड़पा झड़पी हुई, बाचा बाची हुई, वहाँ पे पुलिस भी वहाँ पे उपस्थित थी, पुलिस के सामने ये सब प्रकार वहाँ पे हुआ है। और आज हम लोग पुलिस स्टेशन में ये महिला को न्याय मांगने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देखो वो कार्यक्रम जो था वो 9 बजे का कार्यक्रम था, 9:30 का कार्यक्रम था और मैं हाँ, और ये जो बात हुई है वो 7:30 बजे ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार की बात हुई है वो 7:30 बजे हुई है। मेरे ख्याल से 9 बजे का कार्यक्रम और इसका 7:30 का कार्यक्रम आप खुद अगर देखें तो फेसबुक लाइव पे वो 7:30 बजे आए हुए हैं। अगर आप उनके पेज पे जाएंगे तो आप भी देखेंगे तो वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। तो वो छठ हमने जो आयोजित किया हुआ छठ व्रतियों के लिए जो कार्यक्रम है उसमें वो उपस्थित थे और उसमें आके महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसीलिए हमारे बाळा साहब के शिवसैनिक है, हमारे उद्धव साहब के शिवसैनिक है और हमने उनको करारा जवाब वहाँ पे दिया हुआ है। और अगर ये सुधरेंगे नहीं तो हमारी महिला आज नारी शक्ति आज उनको उनका सबक सिखा सकती। देखिए ऐसा है कि हम छठी व्रति को जगह जगह पर जाकर छठी मैया का आज व्रत हमारी महिलाएं रखती हैं तो हम सभी को जाकर मिलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनका आगे छठी मैया उनके आशीर्वाद दे। लेकिन अचानक बंजारा होटल के बाजू में हम जब वहाँ पर खड़े थे और वहाँ पर महिला पुलिस के साथ में हम वहाँ पर बात कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, अचानक एक झुंड आता है जिसमें रॉड और पूरा बाम्बू लेकर हमारे पे अटैक होता है। और मैं ये दंग हूँ कि वहाँ के स्थानिक पूर्व नगर सेवक अभिषेक गोसाळकर जी ऐसा कर सकते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उद्धव साहब की क्या यही नीति है, उद्धव के साहब के जितने भी लोग आज गुंडागिरी पे उतर गए ये क्या उनको उचित है या शोभा देता है, बस मैं ये उनसे सवाल पूछूं। देखिए ऐसा है कि उनका छठ पूजा का कार्यक्रम 300 मीटर अंदर था, तकरीबन हम कॉमन रास्ते से जा रहे थे, जैसे आपने सवाल पूछा हम कॉमन रास्ते से जा रहे थे, अचानक हम तो पुलिस के साथ पे खड़े थे, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, लोग हमारे साथ आके फोटो खिंचा रहे थे। तो ये तो मुझे लगता है कि कल तो हमें गणपत पाटिल नगर में आने के लिए मना कर देंगे, तो ये दादागिरी नहीं चलेगी। और खास करके महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और उत्तर भारतीय करके खास करके जो अत्याचार हो रहा है ये उन्हें शोभा नहीं देता है। देखिए रॉड उनके हाथ में था, बाम्बू उनके हाथ में था, वो महिला बिचारी अगर आज वो महिला नहीं होती, मैं महिला को पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, अगर आज वो बीच बचाव नहीं करती तो हो सकता है कि हम में से कोई हॉस्पिटल में होता था।